गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घोड़ा कैसे दौड़ता है। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घोड़े को क्या खिलाना चाहिए जिससे उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि घोड़े को क्या खिलाएं, क्योंकि वो नए राइडर होते हैं या वो कभी घोड़े के बारे में नहीं जानते। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। आपको लगता है कि मैं मन से बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे पढ़ा। जो भी अच्छे राइडर्स हुए हैं आज तक के, जितने भी केयर टेकर और राइडर्स हुए हैं हॉर्स के, उनकी सबकी मैंने मैगजीन वगैरह पढ़ी है ऑनलाइन, तो उसको ही समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बताने वाला हूँ कि गर्मी में क्या खिलाना चाहिए और सर्दी में क्या खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले गर्मी की बात कर लेते हैं गाइस। तो गर्मी के अंदर सबसे पहले सुबह उठते ही 2 बाल्टी पानी और उसके बाद आधा घंटा गैप देने के बाद दलिया, जो गेहूं का पिसा हुआ दलिया होता है, उसके अंदर पानी मिला करके थोड़ा सा, उसको ज्यादा नहीं थोड़ा खिलाना चाहिए, ताकि उसकी जो नसें होती है वो अच्छे से दिखती है और उसको बहुत ज्यादा ताकत आती है। दलिया खिलाने के 1 घंटे बाद उसको सुबह सूखा चारा देना चाहिए। जो सूखा जो चारा होता है, जैसे खाकले के अंदर चापट मिला करके या कुछ भी, गेहूं की या चने की किसी की भी फसल जो सूखी फसल होती है वो आप डाल सकते हो, और वही सेम प्रोसेस दोपहर में भी आप कर सकते हो 1 बाल्टी पानी के साथ। फिर आ जाते हैं शाम के अंदर आपको 2 बाल्टी पानी पिला के आधे घंटे गैप के बाद आपको रजगा, जो हरी घास होती है, जो गीली घास होती है वो खिलानी चाहिए घोड़े को, ताकि रात में उसका जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छे से काम करे और वो सुबह बहुत अच्छा फील करे। ये था गर्मी का शेड्यूल। अब हम बात करने वाले हैं सर्दी के अंदर। सर्दी के अंदर आपको सुबह 1 बाल्टी पानी आधे घंटे गैप के बाद, फिर जो आप गर्मी में देते थे वो दलिया, उसके अंदर आपको घी मिलाना चाहिए, क्योंकि सर्दी ही एक ऐसा समय है जिसके अंदर घोड़े की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही जल्दी बढ़ती है, उसकी हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ती है और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बनती है। तो आपको घी देना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। दोपहर के अंदर आपको वही सूखा चारा और 1 बाल्टी पानी, और शाम को हरा चारा और गर्म पानी। शाम के समय सर्दी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए गर्म पानी पिलाना उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसे पूरी रात सर्दी के अंदर निकालनी होती है। बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पे पैक बना हुआ, लेकिन खुली जगह जहाँ होती है उसके गर्म पानी जरूर पिला। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं बहुत कुछ चीजें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी इस एनिमल लाइन में हो, उनका जो भी क्वेश्चन हो किसी भी एनिमल के लिए, कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई आपको शॉर्ट वीडियोज में दे दूंगा, और हो सकेगा तो लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।